वेलकम बैक टू माइशास किचन। देखिए फ्रेंड, झटपट अगर कुछ हेल्दी और टेस्टी खाना है या फिर टिफिन के लिए कम समय में अगर कुछ बनाना हो या फिर हमें छोटी मोटी भूख है जिसे हमें मिटाना है या मेहमान आ गए हैं और मेहमान को हमें कम समय में अगर कुछ सर्व करना है तो ये मल्टीग्रेन और मल्टी वेजिस के जो चीले हैं वो एकदम परफेक्ट हैं, जिसकी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसे आपको एंड तक देखना है। और अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। तो चलिए रेसिपी को अभी हम स्टार्ट करते हैं। चीले बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सी का जार ले लिया है। यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का टमाटर इस तरह से रफली चॉप किया हुआ इसमें ऐड करेंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज भी रफली चॉप करके इसमें ऐड कर देनी है। इसके बाद ये 100 ग्राम के आसपास थोड़ी सी कॉलीफ्लावर मैंने ली है, इस तरह से उसे थोड़े से टुकड़ों में काट ली है, इसे मैं अभी इसमें डाल देती हूँ। इसी के साथ 2 शिमला मिर्च साफ पानी से धोकर इसे काट करके इसी मिक्सी के जार में ऐड कर देना है। 5 से 6 हरी मिर्चियाँ भी इसी में डाल देना है। आप अगर तीखा कम पसंद करते हो तो मिर्ची की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद 10 से 12 लहसुन की कलियाँ भी इसे में ऐड कर देना है। बस हमें इन सभी चीज़ों को दरदरा पीस लेना है, जिस तरह से हम ग्राइंड करते हैं उसी तरह से पीस लेना है। ये देखिए, अगर पीसते वक्त पानी की आवश्यकता होगी तो आप थोड़ा सा पानी इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए किस तरह से मैंने पीसा है। इसे हमें ग्राइंड करने में टाइम लगता है, इसीलिए मैंने डायरेक्टली मिक्सी में इसे पीस कर ले लिया है, ये देखिए। और इसके बाद यहाँ पर मैं 100 ग्राम के आसपास ये जो लौकी है उसे ले रही हूँ। इसे मैं यहाँ पर ग्रेड करूँगी। इसे आप पीस कर भी ले सकते हैं, लेकिन जब ये ग्रेड करके लेते हैं तो थोड़ा सा मुझे पर्सनली पसंद है, ये चाहे तो आप इसे पीस कर भी ले सकते हैं। तो मैंने लौकी को यहाँ पर ग्रेड कर लिया है। अभी एक बड़ा सा बाउल ले लेना है और छोटा एक बाउल इतना गेहूं का आटा इसमें डाल देना है। और वही बाउल से एक बाउल इतना बाजरे का आटा भी मैं इसमें अभी ऐड कर देती हूँ। इसके बाद आधा बाउल इतना ज्वार का आटा भी इसी में डाल देंगे और आधा बाउल इतना ही बेसन आटा भी हमें इसे इसमें ऐड कर देना है। अभी इसके बाद इसमें थोड़े से सूखे मसाले डालेंगे। तो 1 टेबलस्पून इतना जीरा पाउडर यहाँ पर मैं डाल देती हूँ, ये भुना जीरा पाउडर है। आधा टेबलस्पून इतना गरम मसाला भी ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून यहाँ पर हल्दी पाउडर इसमें डाल देना है। और 1 टीस्पून इतना ही नमक मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दीजिएगा प्लीज़। इसके बाद इन मसालों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। अभी इसमें जो हमने पीस कर रखी हुई वेजीज़ है उसे डाल देना है। ये देखिए मिक्सर में जो हमने वेजीज़ को पीस लिया था वो मैंने उसमें ऐड कर दी है। और आधा बाउल इतना फ्रेश धनिया काट कर इसमें ऐड कर दिया है। और ये लौकी जो हमने ग्रेड कर ली थी उसे भी मैंने डाल दिया है। अभी इसे हाथों से ही एक बार इस तरह से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि जब हम पानी डायरेक्टली डालते हैं तो इसमें लम्स पड़ सकते हैं। तो अभी हमें थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करके हमें इसका मिक्सर बनाना है। मैं अभी हाथों से ही इसे इस तरह से इसका मिक्सर बना लेती हूँ, क्योंकि जब हम ये चम्मच से करेंगे तो ये थोड़ा हार्ड होगा मिक्सचर बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे अच्छे से हाथों से मिक्स करने के बाद चम्मच से इसे एक बार हिला रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 ग्लास इतना पानी इसमें पहले डाल दिया था, तो मिक्सचर मुझे थोड़ा सा और पतला चाहिए था, तो आधा ग्लास इतना पानी मैंने और इसमें ऐड कर दिया है। और देखिए मिक्स करने के बाद जो हमारा बैटर है वो कुछ इस तरह का बन गया है। ऑटोमेटिकली इस तरह से बैटर अगर गिर जाता है तो बैटर हमारा एकदम परफेक्ट है चीले बनाने के लिए। तो बस अभी मैं इसे ढक कर इस तरह से साइड में रख देती हूँ 15 से 20 मिनट तक, ताकि जो वेजेस हमने डाले थे वो अपना पानी जो है छोड़ सके। तो देखिए 15 से 20 मिनट के बाद हमारा बैटर जो है वो अच्छे से सेट हो गया है। आप देख सकते हैं बैटर जो है थोड़ा सा लूज हो गया है। बैटर तो हमारे रेडी हो चुका है, तो चलिए अभी हम चीले बना लेते हैं। तो इसके लिए देखिए मैंने गैस पर ये वाला पैन जो है गर्म होने के लिए रख दिया था। पैन गर्म हो चुका है, गैस का फ्लेम मैं अभी मीडियम कर देती हूँ। और इस पैन पे 1 चम्मच इतना ऑयल हमें डाल देना है और ये इवनली इसे स्प्रेड कर लेना है ऑयल को। इसके बाद इस पे 2 चम्मच इतना मैं ये जो मिक्सचर है हमने बनाया हुआ इस पे डाल देती हूँ और इसे एक राउंड शेप दे देना है इस चम्मच से ही, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए आपको नॉनस्टिक पैन का ही यूज़ करना होगा, नहीं तो ये चीले जो है वो बॉटम में चिपक सकते हैं। तो हो सके तो नॉनस्टिक पैन का ही यूज़ कीजिएगा। बस इसे हमें 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसी तरह से पका लेना है। आप देख सकते हैं 2 मिनट के बाद चीला जो है वो अच्छे से ड्राई हो गया है और उसके साइड्स भी ऑटोमेटिकली छूट गए हैं। तो अभी मैं इसे फ्लिप कर लेती हूँ, ये देखिए।
तो यहाँ पर मैंने इसे फ्लिप किया है, आप देख सकते हैं एक साइड जो है कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर इस चीले को आ चुका है, यानी हमारा चीला अच्छे से एक साइड से पक चुका है। अदर साइड भी इसी तरह से हमें 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेना है। और देखिए इसके बाद मैं इसे फ्लिप करूँगी तो ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। अदर साइड भी हमारा चीला जो है वो एकदम परफेक्ट पक चुका है। मैं अभी इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। बस इसी प्रोसेस से हमें सभी चीले बना लेने हैं। याद रखिए यहाँ पर जब हम चीला इसमें पैन पर डाल रहे होते हैं तब हमारा पैन अच्छे से गर्म होना चाहिए, और जब चीला हम डाल दिए होते हैं तब गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना चाहिए। बस इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए सभी चीले मैंने यहाँ पर बना लिए हैं, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको एक बात का खास ख्याल रखना होगा कि चीले जब गर्म होते हैं तो उसे हम इस तरह से एक पे एक नहीं रख सकते, क्योंकि ये चीले जो है आपस में चिपक जाते हैं। तो थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही इसे एक पे एक रखना है। इसके लिए आपको क्या करना है कि जब चीला आप एक प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं ना, तभी उसे 2-3 मिनट तक उसी तरह से प्लेट में रहना देना है, या तो फिर एक कॉटन के कपड़े पे साफ इसी तरह से इसे फैलाकर रख देना है ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाए। इसके बाद इसे सर्व कीजिएगा। तो ये देखिए आप, मैंने यहाँ पर इसे दही और अचार के साथ सर्व किया है। आप इसी तरह से सर्व कर सकते हैं, या फिर आप मेयोनीज या केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, या चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स इतने टेस्टी है मैं आपको बता नहीं सकती, आप मेरे बात पर यकीन मत करिएगा, घर पे इसे ट्राई कीजिएगा। इसके बाद ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी। देखिए मैंने यहाँ पर जितने वेजीज इसमें डाले हैं, इसके अलावा आप कोई और वेजीज भी इसमें ऐड कर सकते हैं, या इससे कम वेजीज में भी इसे बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी के साथ अगर आपको यह रेसिपी बच्चों को टिफिन के लिए देना है तो इन चीलों के ऊपर जो है मेयोनीज या केचप लगा लीजिएगा और रोल बना करके टिफिन में दे दीजिएगा। बच्चे यकीन बहुत खुश होंगे और बहुत ही चाव से इसे खा लेंगे। तो फ्रेंड्स आपको मेरी यह रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में, धन्यवाद।